सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मीशो से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट जो ऑर्डर किए हैं, ठीक है, तो वो आपको पसंद नहीं है या आपको उसको रिप्लेस करना है, रिफंड करना है। सबसे रिप्लेस का मतलब ये होता है कि उसको चेंज करके दूसरा कुछ मंगा लेना या उसी का मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो है मंगा लेना। ये हो गया रिप्लेस, एंड रिफंड का मतलब ये कि उसको चेंज करके आप पैसा जो अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं। तो दोनों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप रिफंड करोगे या रिप्लेस करोगे, दोनों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को तो लाइक नहीं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर देखोगे अगर कोई भी आपका ऑर्डर यहाँ पर है, तो ऑर्डर में आप जाओगे, ऑर्डर यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। मीशो ओपन करोगे, उस पर ऑर्डर पे क्लिक करोगे, जैसे कि यहाँ पर ये वाला ऑर्डर है, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो, इस पर जो है मैं क्लिक करता हूँ। लेकिन ऑर्डर पे आप जाओगे तभी ये ऑप्शन जो है आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर पर मैंने क्लिक करा, एंड ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर लिखा रिटर्न एंड एक्सचेंज ऑर्डर, ठीक है, इस पर हमको क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैं एक्सचेंज करके आपको दिखा दूँ, ऊपर एक्सचेंज है, नीचे रिफंड है। तो सबसे पहले एक्सचेंज करके मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक्सचेंज वाले बटन पर सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे आप बोलेगा कि आप मतलब साइज कुछ अलग चाहिए, यहाँ पर जो भी रीज़न आप डालना चाहते हो, क्यों इसको एक्सचेंज करना चाहते हो, या कोई भी रॉन्ग जो है प्रोडक्ट मिल गया है, ठीक है, या टूटा फूटा मिल गया, वो सारा कुछ यहाँ सिलेक्ट करने के बाद फिर साइज पे क्लिक करके यहाँ पर उसको उस प्रोडक्ट का एक फोटो लेकर के अपलोड कर देना है। एंड यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना। एंड जैसे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करोगे ये जो है ये रिटर्न हो जाएगा। एंड उसी तरीके से गाइस यहाँ पे आप जैसे आप ऑर्डर पे आओगे तो यहाँ पर आपको रिफंड का ऑप्शन मिलेगा। रिफंड वाले बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो बटन पे जैसे आप क्लिक करो तो यहाँ पर आपसे पूछेगा आपका UPI, ठीक है, या बैंक अकाउंट जो भी है यहाँ पे डाल करके यहाँ पर जो है सबमिट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो अकाउंट में जो पैसा जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा। सर मीशो पे कोई भी प्रोडक्ट जो है रिप्लेस या रिटर्न जो है कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि आप अगर बैंक में पैसा मंगा रहे हो तो आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड जो है सारा कुछ सही होना चाहिए। तो अगर आप बैंक अकाउंट नंबर नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर सिंपली UPI जो है डाल सकते हो, UPI पर डाल करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक करोगे पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। सर इससे मीशो पे आप कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं या अपना पैसा जो है मंगा सकते हैं रिटर्न करके। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ हेल्प किया होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।